श्री समृद्धि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्री समृद्धि क्लासेज की तरफ से एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखा गया था, जिस टेस्ट के आंसर की के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, दिनेश कुमार, जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट में, उस सभी राजस्थान के ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को हल करवाएंगे बारी बारी से। तो आइए शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पिछली पशुगणना की तुलना में नवीन पशुगणना के अनुसार किस पशुधन में कमी दर्ज की गई। ऑप्शन है आपके सामने, भैंस, गाय, बकरी, भेड़। तो ऐसा कौन सा पशुधन था जिसमें पिछली पशुगणना की तुलना में वर्तमान पशुगणना में जो कमी दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं हम 2012 की पशुगणना और 2007 की पशुगणना। जो 19वीं पशुगणना थी हमारी, वो थी हमारी 2012 की, और इसके बाद जो पशुगणना हुई है वो है आपकी 2017 की, जो कि 20वीं पशुगणना है, जिसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम संदर्भ में बात कर रहे हैं 2007 की जनगणना से 2012 की जनगणना हुई, पशुगणना में कौन से पशु की कमी दर्ज की गई। तो यहाँ हम बात करें तो इसका आंसर होगा भेड़। अगर कुल पशुधन की बात करते हैं तो 577.32 लाख राजस्थान में कुल पशुधन था, और इन पशुओं में भेड़ में कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी 78 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कारक संक्रांति व मकर संक्रांति होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 21 जून व 14 फरवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च व 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून व 14 जनवरी, और ऑप्शन डी 21 जून व 22 दिसंबर। बताइए राजस्थान में कारक संक्रांति व मकर संक्रांति कब होती है। अगर इसके आंसर की हम बात करें तो देखिए, जब कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की बात आती है तो यहाँ सूर्य के चमकने की जो स्थिति होती है या सूर्य की किरणों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर तय किया गया है। ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा है। अगर हम बात करें सूर्य की जब सीधी किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, यानी 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इस कर्क रेखा पर, और यह क्रिया कहलाती है कर्क संक्रांति।
कारक संक्रांति। वहीं हम बात करें मकर संक्रांति की, तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को आपको मकर संक्रांति होती है। यानी अगर कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति दोनों की बात करें तो कर्क संक्रांति होती है आपको 21 जून की और मकर संक्रांति होती है आपकी 22 दिसंबर की। इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी आंसर वो सही होगा, 21 जून व 22 दिसंबर। यहां हम बात करें कि सूर्य की जो सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती हैं उस क्रिया को कहते हैं विषुव, उस क्रिया को विषुव कहते हैं। वहीं हम बात करें तो 21 मार्च को जो होता है वो बसंत विषुव होता है, क्योंकि इस समय भारत में ऋतु बसंत ऋतु होती है इसलिए इसे बसंत विषुव। वहीं अगर 23 सितंबर की बात करते हम तो 23 सितंबर को आपका शरद विषुव होता है, क्योंकि इस समय भारत में शरद ऋतु होती है इसलिए 21 मार्च को वसंत विषुव। वहीं 23 सितंबर की हम बात करें तो 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और 21 जून को कर्क संक्रांति तथा 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। ये पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप वो परिक्रमण के परिणाम स्वरूप स्थिति आती है। तो राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 12.66, ऑप्शन बी 15.7, ऑप्शन सी 20.9 और ऑप्शन डी 18.07। इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, कुल अगर सीमा की बात करें कुल स्थलीय सीमा की, तो वो है 5920 और उसी में से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं हम तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070। और यहाँ यही पूछा जा रहा है कि 5920 का 1070 कितना प्रतिशत है। अगर इसी को हम प्रतिशत में बात करें तो ये प्रतिशत आता है 18.07%। यानी कुल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की वो 18.07%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों को राजस्थान के पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है आपके सामने 8 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 घंटा 57 मिनट, ऑप्शन डी 35 मिनट 8 सेकेंड। बताइए। देखिए अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें समय की गणना पूछी गई है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य जो समय अंतर है स्थानीय समय का वो क्या है। तो हम अगर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, अगर राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब हम समय की गणना के लिए क्या करते हैं, समय की गणना के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो 0 डिग्री है इसके पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और अगर इसके पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। पहली बात हमें ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात हम बात करें कि दो देशांतरों के जो मध्य हो, देशांतरों के मध्य समय अंतर जो होता है समय अंतर, वो समय अंतर होता है आपका 4 मिनट का। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो दिए गए स्थान है आपको क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें पूर्वी और पश्चिमी बिंदु पूछा है तो पूर्वी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट और पश्चिमी बिंदु 78 डिग्री 17 मिनट, इन दोनों का देशांतरीय अंतर हमें पता होना चाहिए। तो देशांतरीय अंतर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट हम घटाते हैं
तो घटाते वक्त 17 में से 30 डायरेक्ट नहीं जा सकते, यानी छोटी इकाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक डिग्री लेंगे। डिग्री लेते वक्त ध्यान रखना है यहाँ पूरी एक डिग्री के साथ 60 मिनट आती है। जब 60 मिनट आपके पास आ रही है तो 17 और 60 आपकी हो जाती है 77 मिनट। इस तरीके से 77 में से आप 30 घटा सकते हैं। जब 77 में से 30 घटाएंगे तो आपके सामने बच जाएगा 47 मिनट। और इसी तरीके से यहाँ डिग्री हो जाती है 77। 77 में से 69 घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट का आपका देशांतरीय अंतर प्राप्त हो जाता है। जब हमारे पास देशांतरीय अंतर आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट का जो देशांतरीय हमें अंतर प्राप्त हुआ है, उस देशांतरीय अंतर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समय अंतर जो दो देशांतरों के मध्य होता है यानी 4 मिनट, उससे गुना करना है। तो 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, जो इकाई आपको यहां दी गई है उससे छोटी इकाई में परिवर्तित करना है। अगर यहां मिनट दी गई है तो मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करेंगे, यानी 188 सेकेंड। इसी तरीके से यहां जो डिग्री दी गई है उस डिग्री को मिनट में परिवर्तित करेंगे, तो 8 चौक 32, इस तरीके से 32 मिनट 188 सेकेंड आ गई। अब हम समय की और गणना को अगर और अच्छी तरीके से या फिर कहीं मिनट में परिवर्तित करना चाहते हैं तो मिनट में परिवर्तित करने के लिए 188 में हम 60 का भाग देंगे, तो 6 × 3 = 18, 3 मिनट और 8 सेकेंड आपके पास समय आ जाएगा। अगर यही 3 मिनट हम इसमें जोड़ते हैं 32 मिनट में, तो ये आपकी हो जाती है 3 मिनट 8 सेकेंड को अगर प्लस कर दिया तो 8 सेकेंड और 32 और 3 35। इस तरीके से राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के मध्य जो स्थानीय समय अंतर होता है सूर्य की किरणों में, वो आएगा 35 मिनट 8 सेकेंड का। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 मिनट 8 सेकेंड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है आपके सामने धौलपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। अगर हम न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा की बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि अंतर्राज्य सीमा क्या है। तो अंतर्राज्य सीमा की जब हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य के साथ जो लगने वाली सीमा होती है उसे कहते हैं अंतर्राज्य सीमा। तो यहां हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा का, अगर अंतर्राज्य सीमा की हम बात करते हैं तो ये 5 राज्यों से लगती है। सबसे पहले आपका आता है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है एमपी, और उसके बाद आता है आपका गुजरात। इस तरीके से इन 5 राज्यों से अंतर्राज्य सीमा बनाता है। वहां हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अगर जिलों की बात करें तो इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्य सीमा पर स्थित है। उन 23 में से सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो सबसे कम सीमा बनाता है आपका बाड़मेर, सबसे कम सीमा बनाता है आपका बाड़मेर, केवल और केवल 16 किलोमीटर की। बाड़मेर आपका जो बनाता है वो गुजरात राज्य के साथ बनाता है। इस तरीके से जो न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करता है वो है आपका बाड़मेर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल का कौन सा स्वरूप वास्तविक मरुस्थल कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने ईर्ग, रेंग, हम्मादा और सिटिर। देखिए जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल के प्रकारों की यहां पूछी जा रही है कि कौन सा जो मरुस्थल का प्रकार है वो वास्तविक मरुस्थल कहलाता है। तो अगर हम वास्तविक मरुस्थल की बात करें या मरुस्थल के प्रकारों की बात करें तो मरुस्थल के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। मरुस्थल के
एक होता है आपका ईर्ग या अर्घ, जिसमें क्या होता है केवल रेत ही रेत होता है, यानी ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें रेत ही रेत हो उसे कहेंगे हम ईर्ग या अर्घ। और यही आपका होता है वास्तविक मरुस्थल या महान मरुस्थल या महान मरुस्थल। नेक्स्ट प्रकार की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रकार जो होता है वो होता है आपका रेग। इसमें क्या होता है रेत होता है और रेत के साथ कंकड़ पत्थर होते हैं। रेत प्लस कंकड़ पत्थर नुमा जो मरुस्थलीय भाग होता है या मरुस्थल का स्वरूप होता है वो कहलाता है रेत, और इसको कहा जाता है मिश्रित मरुस्थल। इसको कहा जाता है मिश्रित मरुस्थल। नेक्स्ट प्रकार की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रकार है आपका हम्मादा। हम्मादा की हम बात करें तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चट्टानी भाग पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल, मान लीजिए कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे थार के मरुस्थल में ही बात करें तो थार के मरुस्थल में जैसे कुछ क्षेत्र हैं बाड़मेर हैं जोधपुर हैं, उनमें पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, और मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र के चारों ओर हम बात करें रेत ही रेत हो या रेतीला क्षेत्र हो, तो इस प्रकार का जो स्वरूप होता है पहाड़ी क्षेत्रों के या चट्टानी क्षेत्रों के चारों ओर जो मरुस्थलीय भाग होता है ऐसा स्वरूप जो मरुस्थल का होता है उसे कहते हैं हम हम्मादा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप है। ऑप्शन है आपके सामने तारानुमा, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर अनुदैर्ध्य होगा। देखिए हमने बात की बालू का स्तूपों की, कि बालू का स्तूप जो निर्मित हो रहे हैं वो कौन से पवन की दिशा में विपरीत होते हैं। विपरीत जो पवन की दिशा में कौन कौन से समानांतर बनता है या विपरीत बनता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य की। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अगर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की हम बात करें तो मान लीजिए जैसे ये पवन है, ये पवन की दिशा है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और इधर से पवन आ रही है, तो इधर से पवन जब आती है तो ये अपने साथ साथ इस तरीके से जमाव कर देती है, रेत को उड़ा के इस तरीके से, तो ये बिल्कुल आपको एक तलवार जैसे दिखाई देता है, यानी तलवार सदृश दिखाई देता है। ये बिल्कुल किस प्रकार की आकृति है, एक तलवार के जैसे, जैसे तलवार नुकीली होती है उसी प्रकार से ये भी एक उस तरीके से ही स्वरूप में निर्मित होता है। इसी को हम जो कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो इन्हीं को हम रेत कटक भी कह देते हैं, इन्हीं को हम अलब स्तूप भी कह देते हैं, इन्हीं को हम रेखी स्तूप भी कह देते हैं। यानी हम अनुदैर्ध्य की बात करें तो पवन की दिशा के समानांतर, जैसे ये पवन जा रही है इसी के समानांतर इस तरीके से रेत का जमाव हो जाता है, पवन की दिशा के अगर समानांतर रेत का जमाव हो जाता है और तलवार सदृश या रेत कटक के समान आकृति जब बन जाती है तो उन्हीं को कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को
रेत कटक भी कहा जाता है, अलभ स्तूप भी कहा जाता है, रेखे स्तूप भी कहा जाता है, और तलवार सदृश भी कहा जाता है। वहीं हम बात करें इसके सर्वोत्तम उदाहरण की, तो अनुदैर्ध्य का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका सीप। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका अनुदैर्ध्य। वहीं जो इसमें ऑप्शन में दिया है अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ की भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। अनुप्रस्थ की बात करें तो ये पवन की बिल्कुल दिशा के विपरीत होते हैं, पवन की दिशा के विपरीत बनते हैं, या फिर यूं कहें कि समकोण पर बनते हैं। या तो ये पवन की दिशा के विपरीत या समकोण पर निर्मित होते हैं, जिधर से पवन आ रही है उसके जस्ट सामने ही अवरोध के रूप में। इस तरीके से हम अगर देखें तो इस प्रकार से, या फिर जैसे मान लीजिए ये पवन आ रही है और इस तरीके से रेत है, और रेत का जमाव इस तरीके से कटाव हो रहा है, और फिर अगर इस तरीके से बालू का स्तूप निर्मित हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपके, यानी पवन के बिल्कुल समकोण पर या पवन की बिल्कुल विपरीत दिशा में। ऐसे जो बालू का स्तूप बनते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में उन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का निर्माण में पवन की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी अन्य बालुकाय स्तूपों की अपेक्षा जो पवन की गति होती है वो तीव्र होती है, और तीव्र गति के कारण ही ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। और इन्हीं स्वरूप में अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रस्थ का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका बरखान, और ये बरखान सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी इसलिए होते हैं कि क्योंकि इनमें पवनों की जो गति होती है वो तीव्र होती है, और तीव्र गति होने के कारण ये विनाशकारी भी होते हैं। साथ ही साथ जो मरुस्थल का प्रसार होता है जिसे हम रेगिस्तान मार्च कहते हैं, उस रेगिस्तान मार्च में भी सहायक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट देखिए, अरावली के पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा कौन सी कृषि की जाती है? ऑप्शन है चिमाता, दजिया, वालरा और बत्रा। इसमें सही आंसर क्या होगा देखिए, अरावली के ढालों की अगर बात करें तो अरावली के ढालों की जो कृषि होती है, कृषि का जो स्वरूप होता है उसे कहा जाता है झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, या फिर हम कहें कि आदिवासी लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आदिवासी लोगों द्वारा या जनजाति लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। झूमिंग कृषि का मतलब होता है कि जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र पर वनस्पति को काट दिया जाता है, फिर जलाया जाता है, और जलाने के बाद उसी राख पर कृषि की जाती है, और जैसे ही वो क्षेत्र अन उपजाऊ हो जाता है 2-3 वर्ष के बाद, तो फिर दूसरी जगह पे ऐसा किया जाता है कि दूसरी जगह की वनस्पति काटी जाती है, फिर जलाई जाती है, और उसके बाद उसी राख पर की जाती है। तो इस प्रकार से जो कृषि होती है वो स्थानांतरित होती रहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो ऐसा स्वरूप जो है वो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाता है। काटना और जलाना दोनों प्रक्रियाएं होती है, इसलिए कृतन दहन कृषि भी इसे कहते हैं, कृतन दहन या श्लेष वर्ण कृषि भी इसे कहते हैं, श्लेष वर्ण कृषि भी कहा जाता है। इसी को बुश फैलो भी कहा जाता है, बुश फैलो भी कहा जाता है। और इसके स्वरूप की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में इसके चार स्वरूप हैं। कौन कौन से? एक आपका वालरा, एक आपका दजिया, एक आपका चिमाता, एक आपका बत्रा।
इस तरीके से चारों के चारों स्वरूप झूमिंग के राजस्थान में किए जाते हैं। वालरा की अगर हम बात करें तो वालरा, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, इस पहाड़ी क्षेत्र के इस ढाल पर समतल बनाकर या वनस्पति को काटकर इस ढाल क्षेत्र पर कृषि की जाए तो वो कहलाएगी आपकी वालरा। अगर इस अरावली के दक्षिणी ढाल पे हम बात करें इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र पर दक्षिणी ढाल पर ये तो आपकी पहाड़ी ढाल हो गया, ये आपका दक्षिणी ढाल हो गया, यानी पहाड़ी का दक्षिणी ढाल, या बिल्कुल तलहटी में, यूं कह सकते हैं कि पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में उस पर की जाती है दजिया। चिमाता की बात करें तो इन्हीं पहाड़ी भागों के मध्य में जो मैदानी भाग होता है, घाटी क्षेत्र मैदानी भाग, उस मैदानी भाग में कृषि की जाती है। और बत्रा की अगर बात करें तो बत्रा पूर्वी राजस्थान में की जाती है, पूर्वी राजस्थान यानी आपका 12 जिला। अगर इसकी बात करें हम वालरा की, ये पहाड़ी ढालों पर की जाती है, और पहाड़ी ढालों पर ये जो कृषि की जाती है गराशिया द्वारा की जाती है, गराशिया लोगों द्वारा वालरा सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें दजिया की, तो दजिया अरावली के दक्षिणी ढालों पर की जाती है, और दक्षिणी ढाल पर ये दामोर जनजाति द्वारा सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें चिमाता की, तो चिमाता मैदानी भागों में की जाती है, और मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा ये सर्वाधिक की जाती है। हम बात करें बत्रा की, तो पूर्वी राजस्थान के जो पठारी भाग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पर यह कृषि की जाती है, और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत 12 जिला जो है यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है सहरिया, सहरिया जनजाति द्वारा ये कृषि की जाती है। इस तरीके से राजस्थान में वालरा, दजिया, चिमाता, बत्रा चारों स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन सी कृषि के? झूमिंग कृषि के, इसी को कृतन दहन कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि अरावली के पहाड़ी ढालों पर, तो जब अरावली के पहाड़ी ढालों की बात हो रही है यानी इसकी बात हो रही है, तो कौन सी होगा ऑप्शन? वालरा। वालरा इसमें ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, ऑप्शन है आपके सामने नील हिमवंत की पहाड़ी, ऑप्शन बी गंधमादन की पहाड़ी, ऑप्शन सी हेमकूट की पहाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग, तो कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस जिले में है, तो ये राजसमंद जिले में। अब राजसमंद में कौन सी पहाड़ियां हैं? राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग जिस पर बना हुआ है वो आपकी नील हिमवंत कह दो, या हेमकूट कह दो, या फिर गंधमादन कह दो, ये तीनों एक ही पहाड़ियों के नाम है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी, वो इसका सही आंसर होगा, यानी एक ही पहाड़ी के नाम है ये। जैसमंद और राजसमंद जिले में नील हिमवंत की पहाड़ी, गंधमादन की पहाड़ी या हेमकूट की पहाड़ी, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन, भारतीय मानसून के लिए कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में आकर्षण का कार्य करता है? ऑप्शन है आपके सामने अरावली, थार का मरुस्थल, पूर्व का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए देखते हैं इसको भी, भारतीय मानसून की अगर हम बात करें तो उसके लिए आकर्षण का जो कार्य होता है, जैसे
राजस्थान मानचित्र की अगर बात करें हम तो चारों भौतिक प्रदेश के इस क्षेत्र की बात करें तो ये है आपका थार का मरुस्थल। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये है आपकी अरावली। इसके बाद अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये है आपका पूर्व का मैदान और ये आपका हाड़ोती पठार। राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है, थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ोती का पठार। तो ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो भारतीय मानसून के लिए आकर्षण का कार्य करता है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं मानसूनी पवनों की। तो पवन की अगर हम बात करें तो ये हमेशा उच्च दाब से, जिस क्षेत्र में उच्च दाब है उस क्षेत्र से निम्न दाब की ओर आती है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। तो ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का जो निम्न दाब क्षेत्र है? निम्न दाब क्षेत्र होने के लिए क्या जरूरी है? निम्न दाब क्षेत्र होने के लिए सूर्य तप का होना जरूरी है कि वहां पर उस भौतिक प्रदेश में सूर्य तप की मात्रा अधिक हो। जब सूर्य तप की मात्रा की बात करते हैं तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में सूर्य की तप की जो मात्रा होती है जब इस बालू रेत पर पड़ती है, थार के मरुस्थल पर पड़ती है, तो ये अधिक गर्म हो जाता है और अधिक गर्म होने के कारण यहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से और इस स्थल भाग से अधिक ऊष्मा का विकिरण होता है, यानी अधिक ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ जो पवन होती है थार के मरुस्थल में, वो पवन गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। तो जब ऊपर उठती है तो ये पूरा थार का मरुस्थल क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाता है तो मतलब ये क्या बन गया? निम्न दाब का केंद्र या दाब कम है। दाब कम तो जहां उच्च दाब होता है, तो उच्च दाब की हम बात करें तो ठंडे प्रदेशों या ठंडा कोई भी क्षेत्र होगा वहां उच्च दाब होगा। तो इस समय थार के मरुस्थल की जब हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में इस समय यहाँ सूर्य तप अधिक होता है या निम्न दाब केंद्र निर्मित हो जाता है। और इसी ग्रीष्म ऋतु में भारतीय मानसून की शाखा, जिसको हम अरब सागर की शाखा कहें या बंगाल की खाड़ी की, क्योंकि इस तरफ से जो आने वाली शाखाएं होती हैं वो अरब सागर की होती हैं और इस तरफ से जो होती हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, यानी झालावाड़ की तरफ से जो मानसूनी पवने प्रवेश करती हैं वो बंगाल की खाड़ी की शाखा और जो थार के मरुस्थल की तरफ से प्रवेश करती हैं या सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र से जो प्रवेश करती हैं वो आपकी अरब सागरीय शाखा। तो अरब सागरीय शाखाएं या मानसूनी, संपूर्ण मानसूनी पवनों को ये पवने अपनी ओर खींचती है। यानी यहाँ पर अरब सागर की हम बात करें तो यहाँ जल की उपस्थिति है और जल की उपस्थिति के कारण यहाँ वायु क्या रहती है? ठंडी। ठंडी रहती है तो ठंडी वायु है तो दाब क्या होगा वहां पर? उच्च। और उच्च दाब की पवने हमेशा निम्न दाब की ओर आती है, यानी मरुस्थल में आती है। तो इसलिए ये भारतीय मानसून के लिए आकर्षण का कार्य करती है। इस प्रकार इसमें थार का मरुस्थल जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, चारी की फसलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए जई, ऑप्शन बी लूसर्न, ऑप्शन सी बरसीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर की बात करें हम चारे के फसलों का राजा, तो राजा कहा जाता है आपके बरसीम। ये एक चारे की फसल है, पशुओं के लिए चारा जो होता है उसके लिए बोई जाने वाली एक फसल है बरसीम, इसे कहा जाता है चारे की फसलों का राजा। इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 से 60 सेंटीमीटर होती है जो चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1994 में,
1992 में, 2006 में, 1874 में, बताइए। अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो प्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1994 में की गई थी मेड़ता सिटी से, मेड़ता रोड तक। नागौर जिले में 1994 में इस राजस्थान की प्रथम रेल सेवा की शुरुआत हुई थी मेड़ता सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार है। ऑप्शन है आपके सामने, झालावाड़ का पठार, रोही का मैदान, आबू का पठार, बनास बेसिन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें चार जो भौतिक प्रदेश दे रखे हैं उनमें उनकी ही बात करते हैं हम। ऑप्शन में झालावाड़ का पठार, ये है आपका झालावाड़ में। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है रोही का मैदान, रोही के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी जयपुर के बीजक पहाड़ियों से नदी निकलती है बाणगंगा प्लस यमुना, इन दोनों के मध्य का दोआब क्षेत्र जो है वो कहलाता है आपका रोही का मैदान। और राजस्थान के अंतर्गत हम इसकी बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत आप इसमें जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये तीनों जिले रोही के मैदान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें दे रखा है, आबू का पठार, आबू का पठार, तो आबू के पठार की अगर हम बात करें तो ये सिरोही जिले में, जो कि एक बैथोलित का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें बनास बेसिन, इनमें पूछा गया है कि काली मृदा का विस्तार कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काली मृदा की, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। काली मृदा की जो निर्माण है वो जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है लावा से निर्मित होती है। लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उसमें अपक्षयन की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से इसका विखंडन होता है और ये रेगोलिथ बन जाती है, यानी शैल चूर्ण बन जाता है रेगोलिथ। शैल चूर्ण को कहते हैं रेगोलिथ, और ये रेगोलिथ का जो रंग होता है वो होता है काला। और इस तरीके से यहाँ जो निर्मित मिट्टी होती है वो भी कैसी होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी का विस्तार, तो सबसे पहले हमें देखना है कि राजस्थान का कौन सा ये जो भौतिक प्रदेश दिए हैं वो लावा से निर्मित है। अगर हम रोही के मैदान की बात करें तो जो बनास बाणगंगा बेसिन है यानी जयपुर दौसा और भरतपुर का जो क्षेत्र है ये लावा से निर्मित नहीं है, ये जलोदकृत मैदान है, नदी द्वारा निक्षेपित मैदान है। आबू के पठार की बात करें तो यहाँ आग्नेय चट्टानों का जमाव पाया जाता है, जो कि आग्नेय चट्टानों की भी ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं अरावली के अंतर्गत ग्रेनाइट चट्टाने जो पाई जाती हैं उनका जमाव। बनास बेसिन की बात करें तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें भी लावा का जमाव नहीं पाया जाता। अब बात आपकी आती है झालावाड़ के पठार की, तो जो कोटा बूंदी है बारा झालावाड़ है, यानी हाड़ोती का जो पठार है
वो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ था, और ज्वालामुखी से क्या निकला था, लावा, और उसी लावा से निर्मित आपका झालावाड़ का पठार, जहां पर काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन में होगा आपका झालावाड़ का पठार। नेक्स्ट देखिए, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑप्शन है आपके 1947-48, 1970-71, 1977-78, 1974-75। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मरु विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया, और वर्तमान में ये 16 जिलों में राजस्थान के चल रहा है, और 16 जिलों के 85 उपखंडों में चल रहा है। राजस्थान के 16 जिलों के 85 उपखंडों में ये मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% अनुदान राशि प्रदान करती है, यानी जो वित्तीय सहायता होती है वो 75% केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और 25% जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन की जाती है। ये मरुस्थल में या मरुस्थलीय क्षेत्र की हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को और वनस्पति को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खुशबूदार मेथी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए खमनोर, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी ताऊसर, ऑप्शन डी कैथून। यहाँ कृषि फसलों में अगर हम बात करें खुशबूदार मेथी की, तो जो चारों ऑप्शन दिए हैं इन चारों की ही बात कर लेते हैं। देखिए खमनोर, खमनोर की अगर बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां या खमनोर राजसमंद जिले में, और खमनोर में चंदन जो है, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोजत की, तो सोजत आपका पाली में है और यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत के वो पाली के सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका ताऊसर, ताऊसर आपका नागौर में है, और इसी ताऊसर की खुशबूदार जो मेथी है वो प्रसिद्ध है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ताऊसर नागौर। इसमें एक ऑप्शन और दिया है कैथून, कैथून आपका कोटा में है और यहाँ का कोटा डोरिया प्रसिद्ध है, कैथून कोटा में है और यहाँ का कोटा डोरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार है, ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 61.11%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 68%। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मरुस्थल का भारत में कितने प्रतिशत विस्तार है? चलिए देखते हैं इसको भी, भारत के संदर्भ में बात हो रही है। अगर मैं थार के मरुस्थल की बात करूं तो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो दो देशों में है, भारत प्लस पाकिस्तान। अगर भारत की बात करता हूं तो भारत में जो कुल है उसका 85%, और पाकिस्तान में ये 15%। अगर इस 85% की भी बात करूं तो ये चार राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इस तरीके से इन चार राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। भारत में ही ये थार का मरुस्थल कहलाता है, पाकिस्तान में ये चूलिस्तान, चूलिस्तान या चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है।
चूलिस्तान या चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में 15% है। संपूर्ण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3,17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आंसर क्या होगा? 85%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। सूची फर्स्ट में विशेष तथ्य हैं और सूची सेकंड में संबंधित उनसे जिला, यानी कौन से जिले में वो हैं या किस जिले से वो संबंध रखते हैं। तो पहला है ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, इसके सामने दिया है कोटा। देखिए लिख लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, इसके सामने लिखा है आपका कोटा। नेक्स्ट है टाइगर डैन, इसके सामने लिखा है आपका अलवर। और नेक्स्ट है रावठा महल, इसके सामने लिखा है उदयपुर। और नेक्स्ट है आपका झूमर बावड़ी। इसके सामने लिखा है सवाई माधोपुर। इस प्रकार से ये विशेष तथ्य हैं और ये नेक्स्ट जो इनके सामने दे रखे हैं वो जिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। तो देश के प्रथम एनाटॉमी पार्क कह दो या राजस्थान के संदर्भ में कह दो, एक ही बात है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो राजस्थान में फुलवारी की नाल है, अभयारण्य है, उस अभयारण्य में स्थापित किया गया है। और अगर फुलवारी के नाल अभयारण्य की हम बात करते हैं तो ये है आपका उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस में हो गया? उदयपुर में। नेक्स्ट हम बात करें टाइगर डैन। टाइगर डैन एक होटल है जो कि सरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत है। सरिस्का अभयारण्य, और सरिस्का अभयारण्य की अगर हम बात करें तो वो किस जिले में है? अलवर में। तो इस प्रकार टाइगर डैम किस में हो जाएगा? अलवर में। नेक्स्ट हम बात करें रावठा महल। तो रावठा महल की अगर हम बात करते हैं तो रावठा महल आपका है कोटा में। नेक्स्ट हम बात करें झूमर बावड़ी। तो झूमर बावड़ी आपका रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत है जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इस प्रकार से इसमें सही सुमेलित करने के बाद इसका जो आंसर होगा, प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर में, टाइगर डैन अलवर में, रावठा महल कोटा में और झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर में। इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने वन क्षेत्र है? ऑप्शन है इसका 16,572, ए ऑप्शन है इसका 16,572 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है इसका 24,838 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है इसका 32,737 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 18,214 वर्ग किलोमीटर। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने प्रतिशत वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है? बताइए।
देखिए, अगर हम कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं तो कुल जो वन क्षेत्र है वो है आपका 16,572 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम अभिलिखित वनों की बात करते हैं तो अभिलिखित वन 1953 के जो अधिनियम के तहत रिजर्व वन थे, रिजर्व वन, दूसरे थे प्रोटेक्ट वन और तीसरे थे अनक्लासिफाइड। यानी हम कहें जो आरक्षित वन थे, संरक्षित वन थे और अवर्गीकृत वन थे, उन कुल वनों की जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो है 32,737 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो 1953 के अधिनियम के तहत वन क्षेत्र आता है इसे कहते हैं हम अभिलेखित वन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा 32,737 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से गलत कथन छांटिए। पहला कथन है आपका, भारत में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर व स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 शामिल है। नेक्स्ट कथन है, राजस्थान का सड़क घनत्व 69.12 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान में इसकी कुल लंबाई का 39%। और नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1974 में की गई। इसमें से आपको गलत कथन छांटना है तो गलत कथन के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहला कथन कि भारत में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की अगर बात करें तो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक ये आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका NH 76, जो दोनों एक आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, वो सॉरी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है और इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की हम बात करें तो ये आपका दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। इस तरीके से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और मुंबई से वापस दिल्ली, इन चार महानगरों को जोड़ने की जो परियोजना थी वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस योजना के अंतर्गत हम दिल्ली से मुंबई जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वो है आपका NH 8। ठीक है, NH 8 के साथ इसी का हिस्सा है आपका NH 76। यानी दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। वहीं हम बात करें पूर्व पश्चिम के अंतर्गत, इसके अलावा भी स्वर्णिम चतुर्भुज में आपका 79 और 79A ये भी शामिल हैं। राजस्थान के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 8, 76, 79, 79A ये चारों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जबकि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत दिल्ली
आपका छिंतर शामिल है, तो छिंतर इसमें भी है और छिंतर इसमें भी है, यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भी और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों योजनाओं में शामिल है आपका छिंतर। और छिंतर के अगर नवीन नाम की बात करें, नवीन नाम, तो इसका नवीन नाम है आपका 27। तो इस तरीके से पहला कथन है वो सही है। दूसरा देखिए, राज्य का सड़क घनत्व 69.12। वर्तमान में अगर सड़कों की लंबाई के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व की बात करते हैं तो 69.12 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर में सड़क घनत्व है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य में इसकी कुल लंबाई का 39% भाग है। तो अगर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करें, DMIC या DMC, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो इसकी कुल लंबाई जो है 1483 किलोमीटर है। ये आपका यूपी के दादरी से, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी मुंबई दादरी से जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वहां तक है, और जिसकी कुल लंबाई है 1483, और इसका जो 39% है वो राजस्थान में इसका विस्तार है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट कथन जो बचता है आपका वो है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना 1974 में हुई। तो 1974 में ना होकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका मुख्यालय है आपका जयपुर। तो इस तरीके से ये जो लास्ट कथन है ऑप्शन डी, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पश्चिम में स्थित जोधपुर जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसमें प्रातः 7:15 बजे हैं, यानी 7:15 बजे हैं, जो कि भारतीय मानक समय रेखा से 9 डिग्री 27 मिनट दूर है। तो भारतीय मानक समय में जोधपुर के मध्य स्थानीय समय अंतर क्या है? देखिए, जो इसके स्थानीय समय की बात की गई है इसमें,